हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के टीजर के ऊपर। आपको जैसा कि मैंने बोला था पिछले वाले वीडियो में जब भूल भुलैया का अपडेट दे रहा था, तब मैंने आपको बोला था भूल भुलैया 3 का जो टीजर है वो 27 सितंबर को आएगी। जब देवरा आ रही है उसी टाइम इसका टीजर भी आएगा। ये नहीं मैंने बताया था कि कब आएगी, लेकिन इसका टीजर 12 बजे आया तीसरी चैनल पे। अभी इसका जो व्यू है 3 मिलियन के करीब इसका व्यू चला गया है टीसीरीज पे 4 घंटे में। अभी और जाने वाला है इसका व्यू शाम तक। आप देखिएगा कितना ज़्यादा इस मूवी का क्रेज है। और मैंने इस मूवी का टीजर देख लिया है। टीजर देखने से लग रहा है कि मूवी धांसु होने वाला है। जैसे ही मैंने टीजर देखा वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, घुस बम पूरा निकलने लगा। ये वहाँ जो हॉरर टाइप्स दिखाया गया है वो देखकर, और इसमें विद्या बालन का जो रोल है वो वही वाला रोल है जो 2007 में हमें देखने को मिला था। वहाँ पे घुस मिल रहा है हमें देखने के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाई है। भूत जो चुड़ैल है वो सिंहासन के लिए लड़ाई करती है कि उसका सिंहासन किसी और को कैसे दे दिया गया है। और कार्तिक आर्यन का इस टीजर में डायलॉग हमें देखने को मिला, दरवाजे होते ही हैं बंद खोलने के लिए। और एक और डायलॉग है, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, पागल है ये दुनिया की जो भूतों से डरती है। फिर एक सीन में हमें देखने को मिला, एक जो बौना इंसान होता है उससे वो बात करते हैं कि ये चुड़ैल नहीं है, डायन है, डायन खून की प्यासी है, खून देखते ही आ जाती है। तो वो जैसे ही बोलते हैं उसके हाथों में खून चूने लगता है और जो वो बौना आदमी होता है वो बेहोश हो जाता है। तो ये जो कॉमेडी का तड़का जो लगाया गया है, हॉरर प्लस कॉमेडी का, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। हमें लगता है कि ये जो भूल भुलैया 2 आई थी उससे भी ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। मुझे तो लगता है कि अब सिंघम अगेन को आ जाना चाहिए मैदान में, दोनों का देख ले, ऑडियंस को भी मज़ा आएगी। मज़ा लेने में एक साथ 2 मूवी रिलीज होगी और दोनों एक साथ लड़ाई करेगी और फायदा हम ही लोग को होगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर सिंघम अगेन आए तो सिंघम अगेन का ही बिजनेस जाएगा, क्योंकि हॉरर प्लस कॉमेडी का जो तड़का दिया गया है मुझे लगता है कि बहुत कमाल का है ये। और स्त्री 2 जो आई है उसका भी रिकॉर्ड जो है वो खतरे में हो सकता है इस मूवी के आने के बाद। मुझे लगता है कि इसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है बॉलीवुड में। बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी मूवी बनने वाली स्त्री के बाद। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये टीजर अच्छा लगा या नहीं लगा, आपने टीजर देखा है तो, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि मूवी में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। 1 नंबर को मूवी आ रही है, पूरे जो अक्टूबर है वो मूवी का ट्रेलर आएगा। आपको मैं बता दूँ तो 2nd वीक में अक्टूबर का ट्रेलर आएगा, फिर उसके बाद मूवी का प्रमोशन जारी होगा, प्रमोशन करेंगे तो ये सब चलेगा। उसके बाद मूवी का सॉन्ग आएगा तो ऐसा कुछ होगा दोस्तों। तो मूवी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप बताइएगा आपने इस टीजर को देखा है तो आपको ये टीजर कैसा लगा भूल भुलैया 3 का, और आपने इस मूवी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं 1 नंबर को। आज के टाइम मिलेंगे जय श्री राम।